बैठे। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्योंकि सर अध्यक्ष जी बोलने दो, अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते आपको आप एक मिनट। मेरा प्रधानमंत्री जी से दो तीन सवाल है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं, मालूम है या नहीं मालूम? भाई भाई सॉरी नहीं बेटा भी भाई भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रेवल टुगेदर विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रेवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड डिड अदानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? क्वेश्चन पोस्ट टू प्राइम मिनिस्टर प्लीज। सर खत्म करने दीजिए सर, कंक्लूडिंग। और बहुत बहुत सुंदर तरीके से और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते, इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ प्रमाण के साथ कह जाना चाहिए, ये परंपरा है। और राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं, तो मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमन कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। नाउ बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेरे भाषण को इनकैप्सुलेट किया मेरे लिए, बहुत अच्छी तरह आपने जो मैं सोच रहा था आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। भारत जुड़ा हुआ है, चिंता मत करो। श्रीमती
कनिमो जी। माननीय सदस्य मैं आग्रह कर सकता हूं, सदन आपका है, कोई अपनी यात्रा पर चर्चा करता है, कोई करता है, अच्छी हो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो आप तो ठीक लगेगा। ये एक बात पे चर्चा नहीं हुई है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज पे, अलग अलग बिजनेसेस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे डिस्कशन हुआ है। नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज बैठिए, नहीं प्लीज बैठिए। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि सर अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते आपको आप एक मिनट प्लीज बैठे आप बैठिए, मैं बैठा हूं ना, प्लीज बैठिए, नहीं मेरा है कहना, आप पूरे समय बोले, आज नहीं आपका आप बोल लें फिर आप पूरे ठीक है, थैंक यू कनिमोजी जी।